नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष मध्यकाल की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 विक्रमी, ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 विक्रमी, ऑप्शन सी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1350 विक्रमी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है और संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक भक्ति काल की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, ऑप्शन सी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी ईश्वरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वरदास। ईश्वरदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत एक सत्यवती कथा नामक प्रेमाख्यानक ग्रंथ की रचना की है, जिसे हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वैष्णवों को, बी शैवों को, सी शाक्तों को, डी सिद्धों को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वैष्णवों को। तमिल भाषा में वैष्णवों को आलवार कहा गया है और नयनमार शैवों को कहा जाता है, शैवों को कहा जाता है नयनमार। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम ए, इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए आलवार भक्त, ऑप्शन बी नयनमार भक्त, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलवार भक्त। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों का के पदों का एक संकलन है, जिसमें आलवार भक्त भक्तों के 4000 पदों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी को शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक, स्वामी हरिदास को हरिदासी संप्रदाय का, मध्वाचार्य को द्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जायसे कृत पद्मावत का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1200 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1660 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में जायसी महाकाव्य की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी दाऊद जिनका पूरा नाम मुल्ला दाऊद है, ऑप्शन डी मंझन। हंस जवाहिर की रचयिता का नाम है ऑप्शन बी कासिम शाह।
कासिम शाह द्वारा रचित प्रेमाख्यानक जो काव्य है हंस जवाहिर, इसके नायक राजा हंस हैं और रानी जवाहिर इसकी नायिका हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। इसका सही उत्तर है ए अवधी भाषा। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चंदायन की रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए कासिम शाह, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी शेख नवी, ऑप्शन डी कुतुबन। इसका सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना की थी और इसके जो चंदायन के जो नायक हैं वह लोर हैं और नायिका चंदा है। यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को उत्तरदायी किसने माना है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत की नायिका पद्मावती किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए जीवात्मा का, ऑप्शन बी परमात्मा का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी हृदय का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी परमात्मा का। पद्मावती परमात्मा यानी कि ईश्वर का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वेदांत योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में जो कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी शब्द जो उपलब्ध होते हैं वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है और नाथ संप्रदाय से उन्हें ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, और ऑप्शन बी अद्वैत वेदांत, ऑप्शन सी नाथ पंथ, ऑप्शन डी बौद्ध संप्रदाय। इसका सही उत्तर है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, राघवानंद किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर है राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। अगर कबीर के गुरु की बात की जाए तो कबीर के गुरु थे रामानंद, रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद और कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए दासी भाव, ऑप्शन बी सखी भाव, ऑप्शन सी माधुरी भाव, ऑप्शन डी वात्सल्य भाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माधुरी भाव। 17वां प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी हंस जवाहिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रावली। उस्मान कृत चित्रावली का जो नायक है वह सुजान कुमार है और नायिका चित्रावली है। ये भी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रोजतुल हकायक की रचयिता है? ऑप्शन ए शेख नवी, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी उस्मान। इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी और इंद्रावती नामक प्रेमाख्यान ग्रंथों की भी रचना की है जो अवधी भाषा में लिखे गए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता है? ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य माने जाते हैं।
इसके अतिरिक्त वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से, रामानंद रामावत संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भाया कछु पुरबीला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी, कथन के लेखक हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां कही हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? ऑप्शन ए अग्रदास ने, ऑप्शन बी धर्मदास ने, ऑप्शन सी संत रज्जब ने, ऑप्शन डी जगजीवन दास ने। इसका सही उत्तर है धर्मदास ने। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से धर्मदास ने किया। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम में आलवार भक्तों के कितने पद संग्रहित है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4000। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं, रामानंद रामावत संप्रदाय से और वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा कवि नंददास ने किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यान का प्रभाव है? इनके किस ग्रंथ पर प्रेमाख्यान का प्रभाव देखा जाता है? ऑप्शन ए रसमंजरी, ऑप्शन बी रूपमंजरी, ऑप्शन सी भावरगीत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है रूपमंजरी। रूपमंजरी प्रेमाख्यान काव्यों में इसकी गणना की जाती है और इसकी रचना नंददास ने ब्रजभाषा में की थी। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? इसका सही उत्तर है मधुमालती। मधुमालती जो प्रेमाख्यान है या मंजन द्वारा रचित है, इसका जो नायक है वह मनोहर है और जो नायिका है वह है मधुमालती और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद। इसका संबंध है शुद्धाद्वैतवाद से। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया और शुद्धाद्वैत वाद भी वल्लभाचार्य जी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए हरिदास निरंजनी, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंदरदास। सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र की रचना की। अगला प्रश्न है, कौन सा संत कवि श्रृंगार का घोर विरोधी था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी संत रज्जब, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर है सुंदरदास। सुंदरदास जी थी जो श्रृंगार के घोर विरोधी थे। अगला प्रश्न है, अंगवधु की संकलनकर्ता कौन थी? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रज्जब, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादू दयाल। दादू दयाल ने अंगवधु का संकलन किया था। आगे के प्रश्न में एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मलुकदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलुकदास। ये पंक्तियां पूरी करें तो अगर इस प्रकार है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अर्थात इन्होंने इस पर मतलब आलसियों पर एक व्यंग किया है। इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि मतलब आलसी लोग किस तरह से अपना काम काज छोड़कर केवल ईश्वर पर ही निर्भर हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की है? जपू जी, असा दीवार, रहिरास, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उक्त सभी। जपू जी, असा दीवार और रहिरास तीनों ग्रंथों की रचना गुरु नानक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांति रस, ऑप्शन डी करुण रस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शांति रस। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, जान कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, माधवानल कामकंदला की रचना राजस्थानी में हुई है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि गणपति के द्वारा माधवानल कामकंदला की रचना राजस्थानी में की गई है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये बिल्कुल असत्य कथन है क्योंकि नूर मोहम्मद द्वारा जो इंद्रावती की रचना अवधी भाषा में की गई है। अगला है, छिताई वार्ता की रचना का नारायण दास है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन सी नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है। ये बिल्कुल असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी गोरख संप्रदाय, ऑप्शन सी कबीर पंथ, ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी हंस जवाहर, ऑप्शन सी ढोला मारूरा दुहा, ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका सही उत्तर है शेखनवी की रचना इनमें से है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप शेखनवी द्वारा रचा गया एक प्रेमाख्यानक है। यह भी इसमें जो नायक है वह ज्ञानदीप है और नायिका देवयानी है। यह भी अवधी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पर आगे डिस्कस किया जा चुका है कि सत्यवती कथा को किसने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन ए चंदायन, ऑप्शन बी हंसावली, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी पद्मावत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। यह इसकी रचना असाइत ने की है। इसका नायक राजकुमार और नायिका राजकुमारी हंसावली हैं। यह राजस्थानी हिंदी में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है, जैसे कृत आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए सृष्टि का, ऑप्शन बी कयामत का, ऑप्शन सी संसार का, ऑप्शन डी सिद्धांत का। इसका सही उत्तर है कयामत का।
ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? चार विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी विशेषता सूफी काव्य से संबंधित नहीं है। पहला है रहस्यवादी भावना, बिल्कुल सही, रहस्यवादी भावना सूफी काव्य में देखने को मिलती है। दूसरा है हिंदू संस्कृति का चित्रण, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हिंदू संस्कृति का चित्रण भी सूफी काव्य में किया गया है। तीसरा है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, बिल्कुल सही है, सांसारिक प्रेम के माध्यम से इन्होंने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। ऑप्शन डी ब्रजभाषा का प्रयोग, ये बिल्कुल गलत कथन है, तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि जो सूफी काव्य है इन्होंने अवधी भाषा में रचना की है, ब्रजभाषा में नहीं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मंचनकृत मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन ए रत्नसेन, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी चित्रावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोहर। मंचनकृत मधुमालती में जो नायक है वह मनोहर है और नायिका मधुमालती है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मलकत, ऑप्शन बी सरियत, ऑप्शन सी मारिफत और ऑप्शन डी हकीकत। मलकत, मलकत शामिल नहीं है, और तो सरियत, मारिफत, हकीकत और एक तरीकत। सरियत, तरीकत, मारिफत और हकीकत ये सूफी साधना के चार मुकाम हैं, इसमें मलकत को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कृष्णायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मावत। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है, किंतु वह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य नहीं है, प्रथम महाकाव्य है जयसीकृत पद्मावत। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी सत्यवती, ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका सही उत्तर है देवयानी। ज्ञानदीप इस प्रेमाख्यान के नायक हैं, इसकी रचना शेखनवी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थानी। ढोला मारूरा दुहा की रचना राजस्थानी भाषा में कुशल लाभ के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की परिकल्पना किस रूप में की गई है? ऑप्शन ए पत्नी रूप में, ऑप्शन बी पति रूप में, ऑप्शन सी मित्र के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पत्नी के रूप में। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं पद्मावत को, पद्मावत में रानी जो पद्मावती है वह ईश्वर अर्थात परमात्मा की प्रतीक है। और अगर ज्ञानाश्रय शाखा की बात की जाए जिसकी प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, तो उसमें जो ईश्वर को है पति रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी फना, ऑप्शन डी रूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम। प्रेम को सूफी काव्य में अत्यधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन ए चंदायन, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी सत्यवती कथा, ऑप्शन डी मधुमालती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृगावती। कुतुबन कृत मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए सगुणोपासना, ऑप्शन बी निर्गुणोपासना, ऑप्शन सी नाथपंथ या ऑप्शन डी सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। इसका सही उत्तर है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना।
नामदेव के काव्य में सगुण और निर्गुण दोनों का ही समन्वय दिखलाई पड़ता है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य बल्लभाचार्य जी हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर है सूरदास। और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? वो कहा था बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज की हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त तो होती है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।